Myself Lal Singh, Assistant Professor, Faculty of Law, SB College, Aligarh. मैं आपको आज TORT के basic features के बारे में बताना चाह रहा हूँ. TORT कहाँ से आया और TORT क्या है. तो law of TORT basically means क्या है इसका. TORT एक French word है जो Latin word TORTUM से लिया गया है, जिसका अगर means देखेंगे तो wrong होता है. तो कोई भी ऐसा civil कार्य जो कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट में नहीं आता है वो TORT के अंदर लेते हैं. सबसे पहले जो अधिकृत रूप से TORT का जो प्रयोग हुआ बोस्टन बनाम हार्डी के केस में 1597 ईस्वी में पहली बार TORT शब्द का प्रयोग हुआ अधिकृत रूप से. जिसको अगर परिभाषा की दृष्टि से देखेंगे तो परसीमा अधिनियम या लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 2M में भी परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार TORT एक सिविल रॉन्ग है जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग नहीं है. इसके बाद में सामंड द्वारा और बिनफील्ड द्वारा भी इसको परिभाषित किया गया है. तो सामंड ने जो परिभाषा दी है TORT की, TORT एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए उपचार अनलिक्विडेटेड डैमेजेज की कार्रवाई है और जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग या अन्य किसी भी प्रकार का कोई सिविल कोई भी साम्यक आभार नहीं है. अगर बिनफील्ड के अनुसार देखें तो ये एक टॉर्शियस लाइबिलिटी है जो विधि द्वारा नियत कर्तव्य भंग के उल्लंघन से होती है. ये कर्तव्य भंग सामान्यतः व्यक्तियों के प्रति होते हैं. इसके लिए उपचार जो होता है विधि द्वारा विधि में न्यायालय में केस करके उसको अनिर्धारित क्षतिपूर्ति का उपचार प्रदान किया जाता है. जनरली TORT में एक मैक्सिम है उबी जस इवी रिमेडियम, अर्थात जहां अधिकार है वहां उपचार है. तो TORT में बेसिकली ये बताया गया है कि कोई भी ऐसा सिविल रॉन्ग जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या अन्य कोई भी सिविल ऑब्लिगेशंस में नहीं आता है उसको हम TORT के तहत उसको उपचार प्रदान करते हैं. तो जहां अधिकार है वहां उपचार है, अर्थात किसी व्यक्ति को विधि द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं तो उसके लिए उसको उपचार भी दिए गए हैं. अगर यही उसे दूसरे शब्दों में देखें कि अगर किसी व्यक्ति को उपचार उपलब्ध नहीं है तो उसको कोई अधिकार भी उपलब्ध नहीं है, अर्थात अधिकार है तभी उसको उपचार मिलेगा. कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के जो विधि द्वारा नियत जो लाइबिलिटी है और जो राइट है उनका अगर वायोलेशन करता है तो उसको TORT के तहत उस उपचार दिया जाता है. उपचार जो होगा वो अनलिक्विडेड डैमेजेज की श्रेणी का होगा. इसका मतलब क्या होता है, अनिर्धारित क्षतिपूर्ति. अनिर्धारित इसलिए है कि इसको कोर्ट द्वारा नियत किया जाता है. जैसे कि हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में और ट्रस्ट में या अन्य कोई भी है उसमें पहले से ही फिक्स होता है कि किसको क्या उपचार, अगर संविदा भंग होती है तो उसको ये उपचार दिया जाएगा, अगर कोई ट्रस्ट को वायोलेशन करता है तो ट्रस्ट की जितनी वो संपत्ति होगी उसके अनुसार उसको उपचार दिया जाएगा. लेकिन TORT में विधि निर्धारित करती है कि उस व्यक्ति के जो अधिकारों का वायोलेशन हुआ है उसमें उसको कितना उपचार दिया जाए. इसकी जो एक मैक्सिम्स है महत्वपूर्ण, इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया. इसमें यह बताया गया है, जो इंजूरिया का मतलब है लीगल डैमेज, इंजूरिया का मतलब है लीगल डैमेजेज, अर्थात किसी व्यक्ति के अगर विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है वो इंजूरिया कहते हैं. और डैमनम मींस उसे इकोनॉमिक लॉस होता है, अगर उसको आर्थिक क्षति हुई है और उसको किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है तो उसका कोई भी अधिकार लायबिलिटी या क्षतिपूर्ति लेने के लिए नहीं बनता है. अगर उसके अगर किसी भी लीगल राइट का वायोलेशन होता है तो इंजूरिया साइन डैमनम के तहत उसको उपचार अनलिक्विडेड डैमेजेज के तहत दिलवाया जाएगा. एक केस है SB बनाम बाइट. इसमें जो फैक्ट थे कि एक व्यक्ति था SB, वो अपना मताधिकार का प्रयोग करने जाता है, मतदान करने जाता है, तो चुनाव अधिकारी वाइट जो था उसने उसको मत देने से रोक दिया. यद्यपि जिसको ये वोट देना चाह रहा था वो व्यक्ति विजयी हुआ, क्योंकि अब विजयी हो गया तो इसको कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन इसका जो लीगल राइट था वोट देने का उसको इससे वंचित किया गया. तो इस केस में वाइट को जो चुनाव अधिकारी था उसको दोषी माना और इसे क्षतिपूर्ति दी गई.
ऐसे ही एक दूसरा केस है भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य 1987 का केस है ये। तो इसमें एक विधायक थे वो जम्मू कश्मीर विधानसभा में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो उनको पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। तो जो उनको रोका गया और वो उस वजह से विधानसभा सत्र में भाग नहीं ले पाए। तो इस यद्यपि भाग जो विधानसभा में लेने गए थे उससे कोई उनको आर्थिक या कोई भी किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई, लेकिन इनका जो अधिकार था, लीगल राइट था विधानसभा में भाग लेना, उससे इनको वंचित कर दिया गया। तो इन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य के खिलाफ पुलिस के खिलाफ केस किया तो इनको 50,000 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिए गए। इसी के अपोजिट दूसरी मैक्सिम है डैमनम साइन इंजुरिया। यहां इसमें यह बताया गया है कि यदि किसी को कोई लीगल राइट का वायोलेशन नहीं हुआ है, उसको चाहे कितनी भी हानि हुई हो, आर्थिक लॉस हुआ हो, उसे कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। इसका एक केस है ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल के फेमस केस है। तो इसमें यह था कि एक जो प्रतिवादी था उसने अब एक स्कूल पहले जो स्कूल था उसके सामने एक स्कूल खोल दिया, उसकी वजह से जो वादी था उसको अपनी फीस कम करनी पड़ी जिसकी वजह से उसे आर्थिक हानि हुई, लेकिन व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में उसके किसी भी लीगल राइट का उल्लंघन नहीं हुआ। उसने जो भी विधि द्वारा जो राइट दिए गए थे उसमें उसके तहत उसने स्कूल अपना स्थापना की, तो इसको जो आर्थिक क्षति हुई है वो उसे देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे ही मुगल स्टीमशिप कंपनी बनाम मैकग्रेगर का एक वाद है, उसमें भी एक चार लोगों ने मिलकर एक कंपनी स्थापित कर दी एक दूसरे जो वादी था उसको व्यापार से हटाने के लिए, तो उसमें उसको पूरी तरह से लॉस हुआ, इसके लिए उसने केस फाइल किया। तो अदालत ने उसको भी उस श्रेणी में नहीं माना और ये कहा कि इससे आपके किसी भी लीगल राइट का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो कंपनी ने किया है वो उसका अपना अधिकार है, व्यापार करना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, अगर इससे किसी को आर्थिक रूप से क्षति होती है तो उसके लिए वो कोई भी क्षतिपूर्ति देने के लिए बात नहीं है। थैंक यू।